गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम थी। एक महीने से पहले ही मुझे ऑलमोस्ट 70-80% बीमारियों में आराम मिला। मैं बहुत खुश हूँ, मैं वॉक कर सकता हूँ, ड्राइव कर सकता हूँ, मुझे कोई भी अभी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच एम्स। पहले हमने दुनिया को सिखाया योग, फिर सिखाया नमस्ते, अब वक्त आ गया है आयुर्वेद की शक्ति दिखाने का, पूरी दुनिया का पैसा भारत में लाने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का। अगर आप भी हैं किसी गंभीर बीमारी से परेशान तो घबराइए मत, आइए आयुर्वेद की शरण में। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवदीप ठाकुर फ्रॉम हिम्स डेराबसी, आई एम ओपीडी कंसल्टेंट हियर। हमारे पास आज एक डेकोरेटिव ऑफिसर बैठे हैं, कर्नल पठानिया साहब। ये हमारे पास लास्ट मंथ आए थे काफ़ी समस्याओं के साथ, और आफ्टर जस्ट वन मंथ ट्रीटमेंट विद मेडिसिंस एंड कुछ दवाइयाँ और साथ में कुछ अपने परहेज और साथ में डाइट से इनको क्या रिलीफ मिला है, कर्नल साहब से आप पूछते हैं इनका क्या रिव्यू रहा है इलाज के बारे में। कर्नल साहब प्लीज़। मैं पिछले महीने डॉक्टर साहब के पास जहाँ पर आया था, मुझे 4 मेजर प्रॉब्लम थी। वेरिकोज बेंस की प्रॉब्लम थी, प्रोस्टेट की यूरिनेटिंग, रात को मैं कम से कम 4-5 बार जाता था, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम थी। मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा, डॉक्टर साहब ने मुझे एक महीने की मेडिसिन दी। एक महीने से पहले ही मुझे ऑलमोस्ट 70-80% बीमारियों में आराम मिला। जैसे अभी ब्लड प्रेशर मेरा बिल्कुल नॉर्मल है, 130-78-79 है। वेरिकोज बेंस जो हैं वो ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी हैं। प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है, अभी रात को पहले मैं 5 बार जाता था यूरिनेशन के लिए, अभी आजकल मैं सिर्फ 2 बार जाता हूँ। इसके अलावा गॉल ब्लैडर स्टोन की मुझे अपने फिजिकल तौर के ऊपर कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है। मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बाकी सभी भाइयों से, बहनों से, अपने साथ फौजियों से उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उनकी ये प्रॉब्लम्स हैं तो एलोपैथी में खर्च करने की बजाय जहां पे आ जाएं, जहां पे सब टाइप की सुविधाएं हैं। और मैं तो हैरान हूं कि 15-20 दिन की मेडिसिन खाने के बाद थोड़ा सा परहेज करने पर मैं ऑलमोस्ट बिल्कुल अभी एनर्जेटिक 40-50 साल का महसूस कर रहा हूँ अपने आप में। मैं वॉक कर सकता हूँ, ड्राइव कर सकता हूँ, मुझे कोई भी अभी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच हिम्स एंड स्पेशली डॉक्टर नवदीप ठाकुर जी, आई एम ग्रेटफुल टू यू, वेरी वेल डन, कीप इट अप। तो अभी आपने जाना कि कैसे कर्नल साहब को इलाज से फ़ायदा हुआ, आयुर्वेदिक इलाज दिया गया और साथ में कुछ डाइटरी चेंजेस किए गए, जिसके बाद आप बहुत ही सिंपल वे में अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो कभी भी आपको कोई भी समस्या होती है जिसमें कि अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी या कोई मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी, जस्ट स्विच टू आयुर्वेद। आयुर्वेद से आप किसी भी गंभीर से गंभीर रोग में अच्छे परिणाम ला सकते हैं। बस चाहिए तो कुछ एक सही दिशा और साथ में कुछ आपको डाइटरी चेंजेस करने पड़ेंगे और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉलो करने पड़ेंगे और परिणाम आपके सामने रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं, चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली NCR, मेरठ, नवी मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है।